हरे कृष्णा। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधेरे से ज्योति यानी प्रकाश की ओर जाइए, और यही उपनिषदों की भी आज्ञा है। हमारे वक्ता श्रीमान गौर विलास प्रभु जी हमें प्रकाश के इस उत्सव दिवाली पर लीला के रूप में कुछ ऐसे उपदेश देंगे जिनसे हम अपने इस जीवन को लाभान्वित कर पाने में सफल होंगे। श्रीमान गौर विलास प्रभु जी ने मुंबई के जे हॉस्पिटल एवं ग्रांट मेडिकल कॉलेज से अपना मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया। मेडिकल अध्ययन के काल में ही वे इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2010 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। वर्तमान में प्रभु जी मुंबई के इस्कॉन चौपाटी मंदिर में संस्कृति तथा शिक्षण की भक्ति वेदांत एकेडमी के सदस्य हैं। मुंबई के मीरा रोड मंदिर में भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम का अध्यापन कार्य करते हैं व इस्कॉन चौपाटी में ही युवा प्रचार समिति के प्रशासक सदस्य हैं तथा मंदिर की अन्य विभिन्न सेवाओं के अलावा वे जे हॉस्पिटल, कूपर मेडिकल कॉलेज व सेवन हिल्स हॉस्पिटल में प्रचार का कार्य भी करते हैं। प्रभु जी महाराष्ट्र में भी विभिन्न स्थानों पर भगवद गीता के संदेश का प्रचार कार्य संभालते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं दिवाली पर विशेष कार्यक्रम श्रीमान गौर विलास प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वैदिक गणना के अनुसार और विक्रम संवत के अनुसार दीपावली की तिथि साल की आखिरी तिथि मानी जाती है और इसके पश्चात नववर्ष की शुरुआत होती है। सो पूरे साल में जो भी उद्योगपति और औद्योगिक लोग रहते हैं वो साल भर जो भी व्यवसाय करते हैं, साल के अंत में आज के इस दीपावली के दिन पे वो पूरी साल भर की अपने लेखा जोखा और उसका हिसाब करते हैं। और विशेषकर मारवाड़ी और गुजराती परिवारों में जो उद्योगपति और उद्योगों में लगे हुए लोग रहते हैं उनके लिए दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस दिन पे वो अपने कारोबार और व्यवसाय के जितने भी जो उनका मुनाफा है और जितने भी उनकी नुकसान है वो सब की गणना करते हैं। और इस सब की गणना तो हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना प्रगति की है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति और हमारे आध्यात्मिक मार्ग में कितनी प्रवृत्ति और वृद्धि हुई है, उसकी भी गणना करने का यह सबसे सर्वोत्तम दिवस है। और इसीलिए यह दीपावली का जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पे, इस दिवस में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। ऐसा कहते हैं, शास्त्रों में आता है कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दिन, इसी दिवस के दिन हुआ था, जो बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग आता है। जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का प्राकट्य इसी दिवस पे हुआ। और अलग लीला में वर्णन आता है, जब बलि महाराज ने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर ली तो वामन देव ने बलि महाराज को उनके सब ऐश्वर्य से वंचित कर दिया और उनको तीन पग भूमि मांग कर उनको पराजित कर दिया और उनको बांध लिया। और दीपावली के इसी दिवस पर उन्होंने बलि महाराज को सुतल लोक प्रदान किया। और वर्णन आता है कि इसी दिन, दीपावली के इस दिन पे भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया। नरकासुर नाम के राक्षस थे, उन्होंने बहुत सारी राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था और बहुत सारे राजाओं को बंदी बना के रखा था। आज ही के दिवस पे श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया। और वर्णन आता है कि आज ही के दिन पांडव अपने 12 साल के वनवास के बाद वापस हस्तिनापुर में प्रवेश किए। इसी प्रकार बहुत सी अलग अलग घटनाएं घटी हैं और अलग अलग धर्मों के अनुसार भी यह दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर
महावीर स्वामी का आज तिरुभाव दिवस है। और बुद्धों के अनुसार बुद्ध लोगों के लिए भी, जो बुद्ध धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए भी अब महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज ही के दिवस पे जो अशोक थे, राजा अशोक, उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। और सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन 1619 में गुरु गोविंद सिंह उनको और 52 अनेक अन्य राजाओं को जहांगीर ने अपने महल से, अपने कारागृह से मुक्त कर दिया। तो ऐसे अनेक प्रकार की घटनाएं घटी हैं इस दिन पे, तो यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन भक्तों के लिए जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिवस दो महत्वपूर्ण कारण से बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वह है, इसी दिन पे, दीपावली के शुभ अवसर पे, श्री राम भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या में प्रवेश किए थे। और इसी दिन बहुत ही प्रसिद्ध मधुर श्री कृष्ण भगवान की दामोदर लीला हुई थी। तो हम आगे के प्रसंगों में श्री कृष्ण भगवान की दामोदर लीला, भगवान के राम, श्री राम भगवान की रामायण में उनकी जो लीलाएं हुई हैं, उसके बारे में वर्णन सुनेंगे। और यह भी वर्णन सुनेंगे कि कैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु दामोदर लीला का वर्णन करते हैं, और वह बताते हैं कि एक भक्त को भक्ति के मार्ग में कैसे प्रगति करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम श्री राम की लीला रामायण के बारे में वर्णन सुनेंगे। तो ऐसा वर्णन आता है, बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, श्री राम भगवान जब राजा बनने के मार्ग पे थे और दशरथ महाराज ने यह घोषणा कर दी थी कि उनके अगले राजा राजकुमार श्री राम होंगे, तो कैकेयी बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन मंथरा के द्वारा उन्हें कहे जाने पर कैकेयी, उनका मन बदल गया और उन्होंने श्री राम को 14 साल का वनवास दे दिया। 14 साल के वनवास के बाद जब श्री राम भगवान लंका में रावण को परास्त करके पूरे वानर सेना के साथ माता सीता को लेके वापस आ रहे थे, तो उन्हें भरत महाराज का कथन याद आया। भरत महाराज ने कहा था कि हे भ्राता राम, मैं 14 साल तक आपकी प्रतीक्षा करूंगा, और इस 14 साल के उपरांत यदि आपको यह अयोध्या में वापस आने में एक क्षण का भी विलंब हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो श्री राम भगवान को यह स्मरण हुआ और उन्होंने हनुमान जी को तुरंत ही शीघ्र भेज दिया अयोध्या में, और उन्होंने बोला कि आप तुरंत जाके भरत महाराज को यह समाचार दीजिए कि हम शीघ्र अयोध्या में प्रवेश करेंगे। सो यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के दिन श्री राम भगवान अपने जीवन से और अपने आचरण से बहुत सारी उत्तम शिक्षाएं हमें देते हैं। तो जब श्री राम भगवान भ्राता लक्ष्मण और सीता माँ के साथ वापस अयोध्या में पधारे, पुष्पक विमान पर बैठ के अपने करोड़ों करोड़ों वानर सेना के साथ, तो सबसे प्रथम वह किस व्यक्ति से मिलने गए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई यदि सोचेगा कि अरे मैं अपने रिश्तेदारों से इतने सालों से नहीं मिला हूँ, तो जब जैसे ही वो अपने प्रांत में वापस आता है, अपने घर वापस आता है, तो सबसे पहले अपने निकट के मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने माता पिता को मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ना करे, किसी को कुछ बुरे शब्द कह दे, तो हम उससे बात भी नहीं करेंगे, उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। और यहाँ तक कि ये तो बहुत दूर की बात है, यदि कोई हमें वनवास भेज दे तो हम तो उसका मुख क्या, उसके बारे में भी कुछ सुनना नहीं चाहेंगे। लेकिन श्री राम भगवान जब 14 साल के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस आए, सर्वप्रथम वो कैकेयी के
कनक महल में गए और माता कैकेयी से मिलने गए। तो अपने इस आचरण से श्री राम बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें यदि कितने भी दुख दे, हमारे बारे में कितना भी बुरा भला कहे, कितनी भी हमारी निंदा करे, इस दिन पर हमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए बुरे कर्मों को भूलकर उससे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा जो है ये साधु व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, जो व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर सकता है वही साधु कहलाता है। तो इसीलिए जब श्री राम भगवान सबसे पहले अयोध्या में प्रवेश किए तो वो कैकेयी माँ को मिलने गए। तो जो अयोध्या वासी थे 14 साल तक बहुत ही दुखी थे। श्री राम के विरह में किसी भी अयोध्या के किसी भी घर में अच्छे पकवान नहीं बने थे, किसी भी अवधवासी ने कोई भी अच्छे वस्त्र नहीं पहने, किसी भी अवधवासी ने अपने घर पे दीप नहीं जलाया। तो जैसे ही 14 साल खत्म हुए, 14 साल समाप्त होने के पश्चात जब श्री राम भगवान वापस अयोध्या में प्रवेश किए, तो इन 14 वर्षों में अवधवासियों ने 14 वर्षों को लेकर जितने भी दीप थे 365 दिन, वो सब एक साथ जलाए और इसी को दीपावली का उत्सव कहा जाता है। इसीलिए यह दीपावली जो दीपोत्सव है वह अयोध्यावासी श्री राम को अपने जीवन में वापस स्वागत करते हैं और इसी को दीपावली का शुभ अवसर कहा जाता है, इसी को दीपोत्सव कहा जाता है। तो भरत, श्री राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भ्राता सब अयोध्यावासियों के बहुत प्रिय थे। तो एक समय की बात है, जब दशरथ महाराज अपने राज्य कर रहे थे और 60,000 वर्षों तक अयोध्या पे बहुत ही अच्छा शासन करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि अभी मुझे श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। तो ऐसा सोच के उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा की, विचार विमर्श किया। जब मंत्रियों ने यह सुना कि दशरथ महाराज श्री राम को उत्तराधिकारी राजकुमार बनाना चाहते हैं, वह सभी मंत्री बहुत ही प्रसन्न हुए और दशरथ महाराज को बोले, 60,000 वर्षों में आपने यह सबसे उत्तम आपका निर्णय लिया है। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम जो थे वो सभी अयोध्यावासियों के कितने प्रिय थे। और इसीलिए जब श्री राम वापस 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आए, सब अयोध्यावासी बहुत ही प्रसन्न हो गए और तरह तरह से उन्होंने भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्वागत किया। इस दिन हमको भी भगवान को अपने हृदय में स्वागत करना है। दीपावली का जो उत्सव है वह यही दर्शाता है कैसे हम अपने जीवन में भगवान के नामों के शुभ अवसर पे हम भगवान को अपने जीवन में उतारें। भागवतम में कहा जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। अपने जीवन में भगवान को कैसे स्वागत किया जाए, इसके बारे में भागवतम में बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। उसमें कहा गया है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, केवल नाम के माध्यम से हमारे जीवन में जितने भी हमने पाप किए हैं उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम, भगवान का नाम हमारे जीवन में किए गए जितने भी पाप हैं उनसे हमें मुक्ति दे सकता है। और इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर भगवान को अपने जीवन में स्वागत करने का और कोई मार्ग नहीं है। जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो हरे कृष्ण और राम 3 शब्दों से बना है। इसका अर्थ यह है कि हरे जो हैं वो भगवान की शक्ति हैं, कृष्ण जो हैं वो सर्व आकर्षक भगवान हैं और राम हैं वो सबको प्रसन्नता देने वाले हैं। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से एक भक्त भगवान की शक्ति को, अंतरंगा शक्ति को, माता सीता को, श्रीमती राधा रानी को यह प्रार्थना करता है कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें
भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए जो संपूर्ण आकर्षक हैं, और भगवान श्री राम की सेवा में लगाइए जो अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए भगवान राम को अपने हृदय में स्वागत करने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है भगवान के नामों का नियमित रूप से जप करना। इसीलिए भगवान राम अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से यह दर्शाते हैं कि कैसे यदि कोई हमें बुरा भला कहे, कोई हमारी प्रताड़ना करे, कुछ गाली दे, तो हमें उसके प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो भगवान राम सबसे पहले कैकई के महल में गए और कैकई से मिले। जब वो कैकई से मिले तो कैकई उनको देख के बहुत प्रसन्न हुई और साथ ही साथ बहुत पश्चाताप करने लगीं। कैकई श्री राम को बोलती हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतना दुख का अनुभव करना पड़ा और आपको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। भगवान राम कैकई को बोलते हैं कि नहीं माता, आप ऐसा मत कहिए, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो कैकई बोली, अरे मैंने क्या उपकार कर दिया, मैंने तो आपको इतना दुख दिया है। तो भगवान राम बोले, नहीं, यह 14 वर्ष का वनवास मेरे जीवन का सबसे उत्तम जो दिवस था और उत्तम वर्ष थे, क्योंकि इन 14 वर्षों में मैं अलग अलग प्रकार के ऋषियों को मिल सका और उनके प्रति सेवा कर सका। इन 14 वर्षों में मैंने कितने ही लाखों असुरों का वध किया और धरती से अधर्म का जो बोझ था वो हल्का किया। और इन 14 वर्षों में मैं सीता अपनी पत्नी के साथ इतने वर्षों तक एकांत में रह सका, यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है। तो श्री राम ये इतने सारे दुखों को अपने भूल कर माँ कैकई को बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपकी वजह से मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ है। तो इस व्यवहार से भगवान राम हम सबको बताते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन में आने वाली दुख और सुख दोनों में से सुख के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करना है। जीवन में दुख और सुख हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन यदि हम अपना ध्यान केवल दुखों के ऊपर केंद्रित करेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए भगवान राम अपने उदाहरण से बताते हैं इस दीपावली के अवसर पर, इस दिन पर जब कैकई माँ से वो मिलने गए तो वो बोल रहे हैं, आपने मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। इसीलिए हमें भी एक भक्त को भगवान राम के श्री चरणों का अनुगमन करके यही सीखना चाहिए कि कैसे हमारे जीवन में जब दुख आए, कोई हमारी निंदा करे, तो उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करें। इस संसार में निंदा करने वालों की कोई कमी नहीं है, बुरा भला बोलने वाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है, एक बहुत बड़े साधु महात्मा कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो वो कहते हैं कि जो भी हमारी निंदा करता है निकट उसको रखना चाहिए, निंदक नियरे राखिए, बहुत पास में उसको रखिए, और यहाँ तक कि कहते हैं कि अपने घर के आंगन में ही उसको स्थान दे देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि हम में क्या दोष हैं। जिस प्रकार हम जब बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर जो वैद्य है वो हमें बताता है कि हमारे जो शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे शरीर में हानि हो रही है, और वह बताने के वो फीस भी चार्ज करता है। लेकिन जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है वह फ्री में ही हमारे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जीवन में क्या क्लेश हैं, हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने हैं, वो हमें फ्री में ही मुफ्त में ही बता रहा है। इसीलिए भगवान राम से हमें सीखना चाहिए कि यदि कोई हमारी निंदा करे, कोई हमें बुरा भला कहे, तो उसके प्रति हम कैसा व्यवहार करें। क्योंकि इस संसार में कहा गया है कि कलयुग में विशेषकर इस कलयुग जो है वो दोषों का सागर है। इस संसार में हर एक व्यक्ति में अपार दोष हैं, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुणा।
भागवतम में कहा गया है कलयुग जो है वो दोषों का समुद्र है। इसीलिए यदि कोई किसी व्यक्ति के चरित्र में दोषारोपण करे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि दोष और गुण, इन दोनों में से हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं उसके ऊपर हमारा चरित्र निर्भर करता है। तो श्री राम आज के दिवस पर यह बता रहे हैं कि कैकेयी के चरित्र में कितने ही दोष हों, लेकिन कैकेयी ने उनके ऊपर यह उपकार किया, उनको 14 वर्ष का वनवास देके और श्री राम को 14 वर्षों में इतने साधु महात्माओं का दर्शन हुआ, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, इतने राक्षसों का वध करने का अवसर प्राप्त हुआ, यह उनके लिए बहुत ही आनंद का विषय है। इसीलिए हमें भी यह समझना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति के चरित्र में गुण और दोष दोनों ना देखें, केवल दोषों को हटा के गुणों का दर्शन करें, क्योंकि गुणों का दर्शन करने से हम में भी वो गुण आ जाएंगे। और यदि कोई यह सोचे कि नहीं, इस व्यक्ति में इतने दोष हैं, मैं इसमें गुणों को कैसे देख सकता हूँ, यदि हमारी यह मनोवृत्ति रहेगी तो हम भी वो दोषों को देखते देखते हमारे भी चरित्र में वो दोष आ जाएंगे। तो आज के इस दिवस पे, इस दीपावली के शुभ अवसर पे, श्री राम अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, आचरण से बता रहे हैं कि कैसे हमें किसी भी व्यक्ति के चरित्र में गुणों को देखना चाहिए और सबके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। यदि कोई हमारी निंदा करे तो उस निंदक को हमें बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि वह हमारा सबसे बड़ा हित चिंतक है, शुभ चिंतक है। और यदि हम ये ऐसी मनोवृत्ति रखें तो उस निंदक का जो कुछ हो ना हो, लेकिन हमारा स्वभाव बहुत ही निर्मल हो जाएगा। इसीलिए हमें दीपावली के एक शुभ अवसर पर भगवान राम को अपने हृदय में स्वागत करना है, और इसका सबसे सरल मार्ग है भगवान के नामों का गुणगान करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का वर्णन सुनना और भगवान के भक्तों का संग करना। हरे कृष्णा, धन्यवाद।